सर हम हिलौली के रहने वाले हैं, जिला उन्नाव। तो हम घर से निकले तो उधर जाए वो बोल रहे उधर जाओ, बोल रहे उधर जाओ। तो हम यहाँ 29 तारीख को शाम करीबन 6:30 के आसपास ऐसे आए हैं। घर जा रहा था तो आनंद विहार में आकर के इतनी भीड़ लगी, मैंने भी सोचा कि अब यहाँ इधर उधर भटकने से अच्छा है अब कहीं रैन बसेरे में गुजर बसर कर ले। इस समय कानपुर का निवासी और निकलने के लिए जैसे हम लोग घर से निकले 12 बजे के बाद लॉकडाउन हो गया तो हम लोग भी दर दर ठोकरे खाते हुए तब जा करके हम लोग इस रैन बसेरा की शरण में यहाँ रह रहे। आने के बाद 1 घंटे बाद खाना पीना बराबर मिला, चाय नाश्ता मतलब कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है। सुबह 8:30 बजे नाश्ता और करीबन 10:30 के आसपास केला वगैरह मिले और 11:30 आसपास करीबन खाना मिला, फिर 1 बजे खाना। अभी यहाँ पे लगभग 350 लोगों का हमने खाना बांट चुके हैं और उसके बाद भी हमारे देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास खाना भी काफ़ी है और अभी हम यहाँ पे रखेंगे, हो सकता है हमारे पास और भी लोग आए तो उनके लिए हम रखते हैं थोड़ा शाम तक जब तक दूसरा खाना नहीं आता, और जो बचता है जहाँ भी जरूरतमंद है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा है सर, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, रहना सहना सब फ्री है, बढ़िया है, यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। मैं डॉक्टर सविता हूँ, दिल्ली सरकार की तरफ से हमारी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, जितनी भी प्राथमिक जांच होती है जैसे कुछ भी उनको तकलीफ हो दवाइयाँ भी दी जाती हैं, सब तरह की दवाइयाँ हमारे पास पूर्ति में है। इस रैन बसेरा में सारी सुविधाएं खूब बढ़िया उपलब्ध है जिससे हम लोग हमारे जितने लोग यहाँ रह रहे हैं खूब बढ़िया प्रसन्न है और खुश है। मैं हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जहाँ है वो वहीं पे अपना गुजर बसर कर ले ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, हम सबसे हाथ जोड़कर यही अपील करेंगे।